गाइस ये है सुंदर सा प्रेम मंदिर हृदय कई धासा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसे बनी चाय? बहुत सुंदर। कैसे बनी दुबई? बंद हो चुका है सब, 12:30 बज रहे हैं भाई, तो ये खुला तो रहेगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के गिलास रखे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, और आज का जो व्लॉग है वो काफी स्पेशल है क्योंकि हम लोग रात में 10 बजे 3 बंदे हैं और दिल्ली से निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। आज देखते हैं कि रात में क्या कुछ रहता है वृंदावन में घूमने का, और क्या सुकून है रात में, क्या एक माहौल है वहां का, क्या टेम्पल के अंदर हम जा सकते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है कि अगर आप नाइट में स्टे कर रहे हैं वृंदावन में तो वो पूरा घूम के गुजार दें, जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा है। हमारे साथ में है गौरव मिश्रा जी, और पीछे थोड़ा सा अंधेरा है, दुबे जी देख नहीं रहे। दुबे जी एक बार हेलो कर दो। हेलो। दुबे जी हैं पीछे और हम तीन लोग हैं, और दिल्ली से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है रात को 10 बजे। माहौल काफी अच्छा है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है, मुझे आदत है रात को कार चलाने की। तो अब रात में अगर हम वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में क्या क्या घूम सकते हैं वो देखेंगे, और भी जो कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं इस रात वाले ब्लॉग में वो करेंगे। तो चलिए अभी हम लुत्फ लेते हैं एक्सप्रेस वे का, एंड देन फिर जहां जहां रुकेंगे वो भी हम शामिल करेंगे। राधे राधे राधे। सो गाइज, अभी गाड़ी जो है वो 60 से 70 के बीच में चला रहा हूँ क्योंकि ये क्विड है तो मैं इसको ज्यादा भगाता नहीं हूँ, कंट्रोल भी करनी होती है। तो हम लोग निकल चुके हैं। रात में ना ड्राइव करने का मजा बहुत है, और खासकर यमुना एक्सप्रेस वे या दिल्ली में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो अलग ही मजा आता है। एक तो लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है दिवाली की वजह से, और ट्रैफिक नहीं मिलता, सबसे बड़ी चीज। बाकी हम लोग चल रहे हैं निर्धारित स्पीड में, पहुंचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, एंड देन हम रात में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट टॉल पे, और यहाँ पे आप देखेंगे चेकिंग वगैरह भी लगी हुई है। नो डाउट प्रशासन की तरफ से काफी अच्छा बंदोबस्त किया जाता है एक्सप्रेस वे पे। एक चाय काफी स्पेशल है यहाँ पे, शिवा ढाबा है जो, उस पे हमें अभी जाना है और एक चाय की चुस्की लेनी है। फाइनली ये आ गया टोल, और यहाँ पे हमारा जो है फास्टैग, उससे टोल कटेगा एंड देन अपन निकलेंगे। अभी टोल क्रॉस करते ही लेफ्ट में हमें मिलेगा शिवा ढाबा, वहां पे हम लोग चाय की चुस्की लेंगे, और उसके बाद आज के रात के सफर में जो वृंदावन का आनंद है वो लेंगे। कम के बाद गांव भी जाएंगे कल, और वृंदावन का जो टूर है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, कंप्लीट रात्रि वाला टूर। ये है शिवा ढाबा, एक ही ऑप्शन है वैसे तो, यहाँ के अलावा आपको कहीं फूड मिलेगा भी नहीं, मतलब टोल के पास में ही मिलता है फूड, बाकी तो सब बंद है। ये आ गया शिवा ढाबा, एंड देन हम लोग यहाँ से कुछ खाते हैं। भाई गौरव जी निकल चुके हैं बाहर, दुबे जी, एंड अभी हम लोग चाय लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के गिलास रखे हैं, ये हमारे 3 कप रेडी हो चुके हैं, बाकी टेस्ट नो डाउट काफी बेहतरीन है। अभी चाय का जो फीडबैक है वो लेते हैं। कैसी बनी चाय? बहुत सुंदर। कैसे बनी दुबे जी? बेस्ट बेस्ट करती। तो कुल मिला के चाय तो हो गई है, अभी वृंदावन में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं मथुरा टोल पे, और यहाँ से 13 किलोमीटर है वृंदावन का कट यमुना एक्सप्रेस वे से, जहाँ पे हमें रोड को नीचे से क्रॉस करना पड़ेगा, लाइक एक यू टर्न टाइप होगा, मैं दिखा दूंगा आपको। और लगभग 2 घंटे हो गए हैं हमें नोएडा से चले हुए, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का ये सफर है जिसमें हम दिल्ली से और वृंदावन बांके बिहारी जी के टेंपल पे पहुंच सकते हैं, बसरते ट्रैफिक ना हो तो। बाकी ट्रैफिक तो आप समझ ही सकते हैं, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते कितना समय लग जाए। ये हमारा लास्ट टोल है अकॉर्डिंग टू हमारी जर्नी, लाइक अभी मैं तो आगे भी जाऊंगा, लेकिन ये हमारा वृंदावन के लिए लास्ट टोल है, इस पे आगे हम लोग लेफ्ट लेके पहुंचेंगे मंदिर। तो गाइस, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पे लिखा हुआ है वृंदावन के लिए यू टर्न लेना है, और ये देखिए
हम लोग वृंदावन वाले मार्ग पे पूरा यू टर्न लेके जा चुके हैं। यहाँ पे काफी सारी कॉफी शॉप और खाने के लिए भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। सो अभी ये आ गए बांके बिहारी मार्ग पर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गाइस रात का माहौल है और एक्सप्रेस वे पे हम लोग नीचे उतर चुके हैं एक्सप्रेस वे से। अब जाते हैं सीधा मंदिर की तरफ और देखते हैं। नगर निगम मथुरा वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है और हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन में। समय हो रहा है 12:11। अभी हम लोग पहुंचे दारुक पार्किंग के पास। दारुक पार्किंग के पास ना, हमने सोचा दारू पार्किंग। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे दिवाली की जो एक महक है, खुशबू है, वो आपको दिख जाएगी, जिसको हम अगर कहें तो लाइट वाइट काफी अच्छी है और गौशालाएं बहुत है यहाँ पे। साथ ही साथ काफी डेकोरेट किया गया है दीवालों को, ग्रिल लगाई गई है साइड में, पौधे भी लगे हुए हैं और जो गमले हैं वो भी अच्छे से सजाए गए हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल भीड़ तो नहीं दिख रही। हाँ ये है कि अब हमें होटल ढूंढना पड़ेगा या कैसे हम बिताएंगे आज की रात यहाँ पे, और सुबह 5 बजे दर्शन भी करने हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग, जो कि टाइम वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अभी देखते हैं आगे का। बाकी ऑटो दिख रहा है यहाँ पे जो कि खाली है, और यहाँ पे पार्किंग वार्किंग सब कुछ खाली पड़ा है। एक बार फिर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ से जो है एंट्री होगी मंदिर वाले रास्ते पे, तो रामकृष्ण मार्ग पे हैं और यहाँ पे गोवर्धन का भी एक बोर्ड लगा है। ये गेट मेन है जहाँ से हम एंटर करते हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम जाएंगे सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। सो ये लीजिए भाई, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लोग मुड़ चुके हैं और रास्ते हैं सुनसान, लोग दिख नहीं रहे हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होगा। सो गाइज ये है सुंदर सा प्रेम मंदिर। नो डाउट यहाँ पे भी ताला है, बंद हो चुका है सब। 12:30 भाई, तो ये खुला तो रहेगा नहीं। अभी आगे का देखते हैं क्या है। फाइनली गाइज हम लोग बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी हमने सही जगह पार्क कर दी है और एक बजट फ्रेंडली होटल मिल रहा है हमें। नाम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जगदीश धाम। फाइनली यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों रूम मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे पूरा सन्नाटा है। अभी 1 बज रहा है रात का, यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग बैठे हैं रूम के लिए, बाकी सब कुछ खाली है पूरा जो है। सुबह आई थिंक काफी क्राउड होगा। सो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं एंड मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे आज का ब्लॉग।